भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां से यह बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश में बसों के आवागमन पर अब भी रोक लगी हुई है। दरअसल 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में बसों के आवागमन पर अब भी रोक लगी हुई है। कई राज्यों के बीच परिवहन पर अब भी राज्य सरकार ने रोक जारी रखी है। इनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल है, जहां से मध्य प्रदेश में आवागमन नहीं होगा और मध्य प्रदेश से यहां पर बसें भी नहीं जाएगी। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने फैसला लिया था और लगातार चौथी बार सरकार ने एक और फैसला लिया है, जिसमें कई राज्यों के बीच परिवहन पर अब भी रोक लगाई हुई है। वैसे तो 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में शुरू हो चुकी है, लेकिन कोरोना की रफ्तार को देख पिछले कुछ समय से देखते हुए, कोरोना के संक्रमण को तेज होता देखते हुए सरकार ने एक फैसला लिया था, जिसके चलते कई राज्यों के परिवहन पर रोक लगाई थी, जिनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल थे। अब उन्हीं राज्यों में अभी भी परिवहन पर रोक लगाई हुई है। राज्य सरकार ने 7 जून तक रोक लगाई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश से ना बसें जा सकेगी और यहां से ना बसें आ सकेगी। अभी राज्य सरकार ने 7 जून तक इस पर रोक लगाई हुई है।